अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 1.2 को हम कंप्लीट करेंगे। कोशिश है आज के लेक्चर में चैलेंज को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सपोज देयर आर 8 रनर्स इन अ रेस, द विनर रिसीव अ गोल्ड मेडल एंड द सेकंड प्लेस फिनिशर रिसीव अ सिल्वर मेडल एंड द थर्ड प्लेस फिनिशर रिसीव अ ब्रॉन्ज मेडल। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू अवॉर्ड दीज मेडल्स? If the all possible outcome of the run race can occur and there are no tries, ने total 8 runners हैं जो कि race run कर रहे हैं, और जो win करेगा उसकी gold मिलेगा, और जो second आएगा उसको silver, और जो third आएगा उसको bronze। तो ये जो है, अब हमने बताना है कि कितने ways होंगे इन awards जो है ना medals को award करने के, और हमारे पास जो total possible outcomes होंगी हमने वो बतानी है जब रेस अक्कर हो रही है और कोई भी टाई नहीं होगा। जी, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। व्हेन ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, जब हमारा ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वी यूज द फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। हम तब परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट आएगा उसको गोल्ड, सेकेंड को सिल्वर, और यहाँ पर रिपीटेशन के चांसेस नहीं है कि एक पर्सन जो है उसको गोल्ड भी मिल रहा है और सिल्वर भी मिल रहा है, ये भी केस नहीं है। तो यहाँ पे परम्यूटेशन हम यूज करेंगे। टोटल हमारे पास 8 हैं जिनमें से 3 को मेडल मिलेगा, तो पॉसिबल वी हैव ऑल पॉसिबल आउटकम्स 8P3। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमने उसकी यूज करना है 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 5, और 8 फैक्टोरियल को हमने 5 फैक्टोरियल तक ओपन करके 5 फैक्टोरियल टर्म को कैंसिल, और ये जो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मतलब मजे का। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट एस बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुज डिजिट्स आर चूजन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा गया है, एस जो है ना आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जिसकी जो डिजिट्स है ना वो हमने चूज करने हैं 1, 3, 5 और 7, सच दैट नो डिजिट आर रिपीटेड, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फाइंड, हमने फाइंड करना है उसके कि वो टोटल कितने डिजिट्स बनेंगे, उसका ऑर्डर कितना बनेगा, ऑर्डर ऑफ एस। अब यहाँ पर जो डिजिट हमने चूज करने हैं वो ये टोटल 4 में से डिजिट चूज होंगे। अब देखिए, अब एस का ऑर्डर बनाने के लिए देखिए, अगर हम एक नंबर डिजिट चूज करते हैं, मतलब सिंगल है हमारा जो डिजिट हम यूज कर रहे हैं वो सिंपल एक नंबर है, वो 1 हो सकता है सिंपल, वो 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 7 हो सकता है। अगर हम एक डिजिट नंबर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल डिजिट एन इज इक्वल टू 4, तो अगर नंबर ऑफ 1 डिजिट है तो वो आपके पास क्या आएगा जी, वो आएगा 4P1। तो वो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन बन गए, वो हमारे पास बन गए जी 4 पॉसिबल आउटकम्स, हमारी 4 बन गई। अगर हम 2 डिजिट्स नंबर ले रहे हैं, लाइक 2 डिजिट्स नंबर कौन कौन से होंगे हमारे पास, हमने 1, 3 एक डिजिट ले लिए, हमने 1, 5 ले लिए, 1, 7 ले लिए, और फिर 3, 1, 3, 3, 7 ले लिए, हमने 3, 5 ले लिए, इस तरह से ये हमारे पॉसिबल होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, जो 2 डिजिट नंबर होंगे हमारे पास 4P2। तो 4P2 को जब हम सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपका 12 आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, जिन नंबर्स में 3 डिजिट्स होते हैं वो भी हमारे पास आएंगे जी, 3 डिजिट्स नंबर जो होंगे वो 4P3, तो हमारे पास सेम उसी तरह से इसको फैक्टोरियल वाली फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं तो 24 आ जाएगा। अब 4 डिजिट्स नंबर जो है उनके लिए भी 24 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर हमारे पास कितने बन रहे हैं, अगर हम 1 डिजिट लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं, अगर हम 3 लेते हैं, अगर हम 4 लेते हैं, तो टोटल वो 64 पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन काफी ईजी था, क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर, लेटर्स जो आपको गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल ये आपके पास 7 लेटर्स हैं। तो कंटेन्स, अब ये कंटेन कर रहे हैं इस लेटर्स में द लेटर जी एफ सी टुगेदर, कि लेटर जी एफ सी जो है वो टुगेदर होगा, द लेटर जी एफ सी नॉट टुगेदर, दूसरी कंडीशन है कि ये टुगेदर नहीं आएंगे, हमने वो बतानी है परम्यूटेशन। उसके बाद स्टिंग, कि अगर ये तीनों एक साथ जुड़े होंगे, तीनों एक साथ जहां पे भी आएंगे तीनों एक साथ आएंगे, स्टिंग
ए बी सी डी के ये तीनों एक साथ आएंगे। अब देखते हैं इनके लिए नोट है, इफ देयर आर एन ऑब्जेक्ट सच दैट एम आउट ऑफ देम टू बी अरेंज टुगेदर, अगर हमारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट है जिसमें से एम को हमने एक साथ अरेंज करना है, देन वी यूज अ फॉर्मूला। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एन माइनस एम प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल जी। और इसके बाद देखिए हम हमारे पास जो केस नंबर वन है हम उसको यूज करते हैं, जो लेटर जी एफ सी टुगेदर, द लेटर्स जी एफ सी टुगेदर हेयर एन इज इक्वल है, टोटल लेटर है आपके पास सेवन है, हम इसमें से एम इज इक्वल है थ्री, जो जो टुगेदर आएंगे वो थ्री हैं, तो फॉर्मूला हमारा यूज होगा एन माइनस एम प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एम। सो वी हैव टोटल अरेंजमेंट, सो हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए एम और एन की, तो हमारे पास जब जी एफ सी टुगेदर आएंगे तो वो पॉसिबिलिटी 720 बन गई है हमारे पास परमुटेशन में, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा है जी। अब नेक्स्ट जो है उसमें है हमारे पास लेटर जी एफ सी नॉट टुगेदर, तो हम टोटल पॉसिबिलिटीज निकालते हैं और जी एफ सी जो टुगेदर है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं, तो टोटल परम्यूटेशन ऑफ सेवन लेटर्स हैविंग एफ जी एफ सी मे बी टुगेदर और सेपरेट, कि हमारे पास जो टोटल सेवन लेटर्स हैं जी एफ सी जिसमें टुगेदर होंगे टुगेदर नहीं होंगे, हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज जो गिवन आएंगी वो आएंगी सेवन फिक्टोरियल इज इक्वल है, सेवन फिक्टोरियल आप लेंगे इजीली तो 5040, तो इन वन पार्ट, क्योंकि हमने वन पार्ट में हमने वो पॉसिबिलिटीज निकाली थी जो टुगेदर है, क्योंकि अब हमें नॉट टुगेदर वाले चाहिए, तो जो पॉसिबिलिटीज टुगेदर वाली थी वो 720 थी, तो हमने कहा कि परमुटेशन जो है नॉट टुगेदर में ये पॉसिबिलिटीज को अगर हम निकाल देते हैं तो ये जो हमारे पास आएंगी जो नॉट टुगेदर जी, ये भी इजी समझ आ गया होगा होपफुली आपको। नेक्स्ट है थ्री पार्ट है जिसमें हमारे पास जी एफ सी जो है वो एक साथ आएगा स्ट्रिंग में जुड़ा हुआ एक तार के साथ, हेयर द लेटर्स जी एफ सी अकर एज अ स्ट्रिंग सो दे मस्ट अपेयर एज अ ब्लॉक ऑफ लेटर, तो एक ब्लॉक ऑफ लेटर है, जहां पर भी आएंगे ये इकट्ठे ब्लॉक के तौर पर ही आएंगे, लेटर्स जी एफ सी ऑल फिक्स इन द सेम पोजिशन, तो ये सेम पोजिशन में फिक्स है, वी कंसिडर दिस ब्लॉक एज वन लेटर, हम इसको एक एक ही लेटर कंसीडर करते हैं, इस पूरे ब्लॉक को ये एक लेटर हमने कंसीडर किया है, तो बाकी देखिए हमारे पास टोटल जो है वो सेवन है, जब सेवन में से थ्री जो है वो एक ब्लॉक बन गया तो बाकी पीछे कितने बचे वो फोर्स, एंड द रिमेनिंग लेटर आर फोर टुगेदर विद दिस ब्लॉक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इसको, जैसे कि हमारे पास जो लेटर है ए बी सी डी, उसके बाद है जी एफ और सी, तो मैं श्योर कर लेती हूँ कि यही लेटर्स हैं इसमें, ई तो नहीं है, ई भी आ रहा है, ई एफ सी है यहाँ पे, ई एफ जी। अब इसके अंदर से एफ सी एफ जी एफ और सी जो है वो तीन है, तो बाकी देखें हमारे पास ए बी डी ई, अब हमारे पास जी एफ सी, ये हमारा एक और ये पीछे कितने हैं फोर, तो ये टोटल कितने हमारे बन गए, ये टोटल हमारे फाइव लेटर्स बन गए, ये एक ब्लॉक की फॉर्म में है और ये ब्लॉक एज इट इज ही आएगा, टुगेदर विद दिस ब्लॉक वी गेट टोटल फाइव लेटर्स हमारे जो होंगे वो टोटल फाइव लेटर्स होंगे, एंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ फाइव लेटर्स इज फाइव परम्यूटेशन होता है 120। अब नेक्स्ट उन्होंने स्ट्रिंग बता दिया गया है, जब ए बी सी डी एक स्ट्रिंग में आएगा ये एक ब्लॉक बन जाएगा, हेयर द लेटर ए लेटर्स ए बी सी डी अकर्स एज अ स्ट्रिंग सो दे मस्ट अपेयर एज अ ब्लॉक ऑफ लेटर्स ए बी सी आर फिक्स्ड इन द सेम पोजिशन, ये सेम पोजिशन में फिक्स रहेंगे ये मूव नहीं करेंगे, वी कंसिडर दिस ब्लॉक एज अ लेटर, हम इस ब्लॉक का एक लेटर कंसिडर करते हैं, तो रिमेनिंग लेटर होंगे वो तीन बचेंगे, वो कौन से बचेंगे जी हमारे पास, वो हमारे पास बच जाएंगे ई एफ जी तीन लेटर्स, तो टुगेदर दिस विद दिस ब्लॉक वी गेट टोटल, तो हमारे टोटल लेटर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे फोर, लाइक देखें ये हमारे पास स्टार्टिंग फोर जो है ये वन है और ये हमारे पास वन वन की टोटल फोर। नेक्स्ट है इसी को आगे कंटिन्यू भी कर रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ फोर लेटर फोर परम्यूटेशन फोर फैक्टोरियल इज इक्वल है 24, तो हमारे पास 24 यहाँ पे परमुटेशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास लेट ई इज इक्वल है ए बी सी
and so on, x, y, z. Find the number of the five letters words that can be formed from set E such that first and the last letters are distinct vowels and and the remaining are different consonants. हमारे पास जो है क्वेश्चन हमें जो दी गई है ई सेट हमें दिया गया वो है ए बी सी का. तमाम के तमाम जो है हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो है स्मॉल लेटर्स वो सभी का है. तो हमने फाइंड करना है नंबर्स ऑफ फाइव लेटर वर्ड्स जो के फॉर्म कर रहा होगा ई सेट में से वो बनेगा. वो इस तरह से वो लेटर बनेगा कि फर्स्ट और लास्ट जो लेटर्स होंगे वो डिस्टिंक्ट वॉवल्स, मतलब वो एक दूसरे से डिफरेंट वॉवल्स होंगे फर्स्ट और लास्ट, एंड द रिमेनिंग आर डिफरेंट कंसोनेंट्स. जो सेंटर वाले होंगे वो वॉवल्स नहीं होंगे, वो कंसिस्टेंट होंगे. जी अब यहाँ पर हम इसका करते हैं सॉल्यूशन. सो सिंपली कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लेटर होगा ना, वॉवल्स आपके पास होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू. जो भी आपके पास लेटर बन रहा है ना, लाइक उसमें स्टार्ट पे ए होगा और लास्ट पे आई है. अब सेंटर के जो तीन है वो वॉवल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट्स है. ठीक है, तो इस तरह से हमने वो लेटर्स जो बन रहे होंगे ना उनके नंबर ऑफ वेज बताने हैं. वो कौन से लेटर्स हो, फाइव वर्ड लेटर्स हमें चाहिए, वो कितने बनेंगे इसको फॉर्म करने से. और जो हमारे पास ये वॉवल्स होंगे ये भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दोनों एक सेम नहीं होने चाहिए. दोनों फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दूसरे से डिफरेंट. जी Here we have two groups. हमारे पास दो groups हैं, vowels और consonants. The first and the last elements are selected from the group of vowels. First और last जो है वो vowels के groups में से लेना है, मतलब कि permutation two from four. Five जो है वो vowels होते हैं, five में से हमने two लेने हैं, five from four. The remaining three permutation from 21. टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश में वो 26 होते हैं, 26 में से 5 जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं, जो रिमेनिंग है वो 21 होंगे कॉन्सोनेंट्स. तो हमने जो 3 होंगे वो कॉन्सोनेंट्स में से लेने हैं. थस द फाइव लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम टोटल 26 लेटर्स इज गिवन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्म रूल आल्सो. तो टोटल वर्ड्स हमारे पास बनेंगे जी 5p2 into 21p3. तो इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में आपने सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. इतनी परमुटेशन हमारे पास, इतने लेटर्स बन जाएंगे टोटल वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन एन एटीएम अ कोड ऑफ 4 डिजिट्स इज यूज्ड फॉर अ ट्रांजैक्शन. 4 डिजिट कोड जो है एटीएम कार्ड का एक ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है. द पर्सन यूजिंग द मशीन फॉरगेट हिज कोड. अब एक पर्सन जो है जो एटीएम कार्ड से अपने पैसे निकालना चाह रहा है वो अपना कोड जो है वो भूल गया है. तो दैट द कोड कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स. अब जो उसको सिर्फ याद आ रहा है वो ये है कि जो उसका कोड है ना वो कंसिस्ट कर रहा है 8, 6 और 3, 1 लेटर पे. अब उसके पास टोटल कोड के होते भी 4 लेटर है एटीएम कार्ड में, जैसे कि बच्चों का होगा ही अकाउंट, तो आपको आइडिया होगा कि टोटल 4 डिजिट्स होते हैं. तो 4 डिजिट्स उसमें उसको याद आ रहा है कि मेरा एक डिजिट 8 है, 6 है, 3 है, 1 है, लेकिन इनकी सीक्वेंस याद नहीं आ रही किस तरह से अरेंज किए हुए थे. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर टू फाइंड द करेक्ट कोड. अब यहाँ पर करेक्ट कोड फाइंड करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. हाउ मेनी परमुटेशन आर देयर इफ द लास्ट डिजिट इज 8. पहले तो इसमें दो पार्ट पूछे क्वेश्चन में. एक तो पूछा गया कि पॉसिबिलिटीज कितनी है इस कोड के करेक्ट होने की, मतलब कितने करेक्ट कोड जो है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे टोटल पॉसिबिलिटीज है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ लिया गया है कि अगर लास्ट डिजिट जो होगा वो 8 होगा तब कितनी परमुटेशंस बनेंगी. From अब इसको सॉल्यूशन पे आते हैं. From the 4 digit 8, 6, 3, 1 to find the correct, we have used all the 4 digits. As we know, we are used to all digits, so it is understood that the repetition is not allowed. जब हमें याद आ रहे हैं कि 4 digit हैं, तो 4 ही total होते हैं, तो मतलब कोई repeat नहीं हो रहा है. 4 ही की possibility है. First place, unit place is fixed in इनवे. अगर हम फर्स्ट प्लेस पे एक यूनिट फिक्स कर देते हैं कि फर्स्ट, देखिए हम फर्स्ट फिक्स किस तरह से कर रहे हैं. हम फिक्स कर रहे हैं जी कि फर्स्ट पे या तो हमारा आएगा जी 8, या हमारा आएगा 6, या हमारा आएगा 3, या हमारा 4 हमारी पॉसिबिलिटी होगी फर्स्ट प्लेस के लिए. बिकॉज डिजिट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. अब डिजिट जो है वो दोबारा से यूज नहीं होगा, रिपीटेशन भी अलाउ नहीं होगी. नो डिजिट कैन बी यूज्ड अगेन, दोबारा नहीं करेंगे. सो द रिमेनिंग 3 डिजिट्स
विच आर अवेलेबल टू फील्ड द सेकेंड 10 प्लेस. अब हमारे पास देखें, अगर हमने फर्स्ट में 8 को रख दिया है तो पीछे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बची हैं? हमारे पास 6, 3 और 1, 3 पॉसिबिलिटीज है सेकेंड वाली प्लेस को फिल करने के लिए. तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने बन जाएंगे जी? 3 नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे. तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारी सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए. अगर मैं इसको प्रॉपर आपको फिल करके बताती हूँ तो उसके लिए थोड़ी जगह यहाँ पर ज्यादा कम पड़ जाएगी. तो इसको जरा ट्राई करते हैं फिर भी एक दफा. थर्ड प्लेस जो है उसको यूज करने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज है वो 2 है. तो उसके बाद हमारे पास जो 4 प्लेस है उसके लिए 1 है. तो ये 24 टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं. लेट से हम इसको टोट करके देखते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. देखिए, अब हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो है वो 8 है. हमारे पास 8 के आगे 3 पॉसिबिलिटीज बनती जाएंगी. 8 8 हमारे पास अगर हमने ले लिया. अब जो नेक्स्ट है देखिए, पहले हमने 6 प्लेस किया, फिर हमने 3 प्लेस किया, अब हमने 1. तो ये हमारी अगली 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. अब इसके बाद जो हमारी अगला सेकंड नंबर है उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? 1 पॉसिबिलिटी, क्योंकि रिपीट नहीं होगा. अब ये आपके पास आ गया है 8 6. अब ये जो 8 6 है ना, अब इससे आगे 2 टाइप्स निकलेंगी. 8 6, अब एक तो हो सकता है 3 1, और एक हो सकता है जी हमारे पास 8 6 1 3. ये 2. अब देखिए, 8 6 8 और 3 है, तो अब एक पॉसिबिलिटी की यहाँ पे 6 और 1 आ जाए. और दूसरी हमारी जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है कि 8 3 1 6 आ जाए. ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है. अब हमारे पास देखिए, अब ये 8 1 है, तो एक पॉसिबिलिटी तो इसकी हमारी बन रही है कि यहाँ पर ये 3 और 6 आ जाए. एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है 6 3 आ जाए. इसी तरह ये सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी जो कि ड्रॉ करने से ये टोटल आपके पास देखें 4 टोटल. हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, हमारी जो पॉसिबिलिटीज आएंगी 4 3 2 1, ये आपके पास 24 पॉसिबिलिटीज बनेंगी अगर आप इनको ड्रॉ करके देखेंगे. पॉसिबिलिटीज बना के ये पॉसिबिलिटीज आप ट्री डायग्राम को यूज करते हुए इजीली बना सकते हैं कि आपने 8 को लिया. 8 के बाद देखें, हमने जैसे वो ट्री डायग्राम आपने पढ़ी होगी, सबसे पहले 8 8 के बाद हमारी 3 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं. वो कौन कौन सी निकलती हैं? 6 3 और 1. अब 6 के आगे 2 पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, 3 और 1, और 3 के आगे 2 निकलती हैं, 6 और 1. अब 1 के आगे निकलती है 3 और 6. तो ये टोटल कितनी बन गई? ये पॉसिबिलिटीज ये 8 के लिए बन गई हैं. अगर हम 8 के बाद बाकी डिजिट्स लेते हैं उनके लिए भी सेम इसी तरह से पॉसिबिलिटीज बनेगी. लाइक हमने 8 के बाद नेक्स्ट डिजिट रख लिया, 6 हमारा फर्स्ट डिजिट है, तो 6 के लिए सारी ट्री डायग्राम इसी तरह से बनेगी. तो ये आपने अगर ड्रॉ करके देखेंगे, क्योंकि ये 24 थी तो ये स्मॉल थी नंबर हमारे लिए, इसको करना ईजी था कंपेरेटिव अगर हमारे पास ज्यादा लॉन्ग टर्म होती. इसका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा गया है हमसे कि अगर हमारा जो लास्ट डिजिट है हम उसमें 8 को फिक्स कर दें तो तब कितनी परमुटेशंस होगी? मतलब लास्ट पे 8 फिक्स है तो फर्स्ट के लिए 3 प्लेसेस बचती हैं, तो 3 को हमने अरेंज करना है. इफ द लास्ट 8 डिजिट इज 8, दिस शोज दैट द रिमेनिंग 3 आर यूजेबल ओनली. ये कि हमारे पास जो बाकी 3 है वो सिर्फ यूजेबल होंगे. तो फर्स्ट प्लेस इज फिक्स्ड इन द वे 3. फर्स्ट प्लेस को फिक्स करने के लिए देखें, लास्ट पे 8 जो है वो फिक्स्ड है, सभी में लास्ट पे 8 आना है, ये हमें पता है, फिक्स है. तो जो फर्स्ट प्लेस है उसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बचती है? क्योंकि रिपीटेशन ही आनी चाहिए, 1 3 और 6 फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज बच रही है. अब उसके बाद सेकंड प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी जो बचेगी, अब देखें, अब यहाँ पर सेकंड के लिए 3 और थर्ड के लिए फिर एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि 8 तो फिक्स है, ठीक है. तो थर्ड, अब सेकंड के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होंगी. अब यहाँ से एक तो पॉसिबिलिटी निकलेगी 1, और यहाँ पे आ जाएगा जी 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा. तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ये टोटल हमारे पास 6 बनती है. अगर आप आई मीन ये ड्रॉ करके देख लेते हैं, इसको सारा ट्री डायग्राम के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने एंडिंग करनी है 8 पे. हम एंडिंग को ले लेंगे, हम 8 डिजिट को छोड़ देंगे. हमारे पास ये डिजिट है 3, तो 3 हमारी फर्स्ट अगर हम प्लेस लेते हैं, तो 3 से आगे देखें कौन कौन से डिजिट बनते हैं हमारे पास, 6 और 1. अब 6 और 1 ये हमारी 3 बन गई टोटल. उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं जी, हमारा डिजिट है 6, तो 6 से हमें आगे 3 और
वन, क्योंकि अब इसके बाद इनकी एंडिंग जो है वो आपके पास बन रही है एट की, सबके एंड पे एट लगने हैं। उसके बाद लास्ट हमारा है डिजिट वन, वन की भी आ गई, इसी तरह थ्री और सिक्स, तो ये कितनी हमारी टोटल बन गई, टोटल हमारी सिक्स बन जाएगी। इसी तरह से ऊपर वाले की भी आर्बिट्री डायग्राम वो कंप्लीट नहीं है, वो सिर्फ एक डिजिट पे मैंने ड्रॉ की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है कि सिक्स बॉयज हैं, फाइव गर्ल्स आर टू बी सीटेड अराउंड अ टेबल। इनकी सिटिंग हमने करनी है एक अराउंड टेबल के, तो राउंड टेबल के गिर्द इनकी सिटिंग होगी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज विच कैन बी डन इन द फॉलोइंग केसेस, तो नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड करने हैं जो कि डन होंगे इन फॉलोइंग केसेस में। अब फॉलोइंग केसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, फॉलोइंग केस में नंबर वन है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस तरह से बॉयज ने बैठना है, किस तरह से गर्ल्स ने बैठना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केस नंबर टू में है रिस्ट्रिक्शन, नो टू गर्ल्स आर एडजस्टेड, दो गर्ल्स जो है वो एक साथ नहीं बैठेंगी, केस नंबर टू में ये रिस्ट्रिक्शन है। तो केस नंबर थ्री में है ऑल गर्ल्स फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक, जितनी भी गर्ल्स हैं वो एक सिंगल ब्लॉक के तौर पर रहेंगी, वो जहां पर भी ब्लॉक फिट करेंगे वहां पर सारी गर्ल्स होंगी। नंबर फोर है अ पर्टिकुलर गर्ल जी इज एडजस्टेड टू टू बॉयज, पर्टिकुलर बॉयज बी वन एंड बी टू, कोई एक पर्टिकुलर गर्ल है जी जो कि दो बॉयज बी वन और बी टू के सेंटर में एडजस्ट हो, ठीक है, मतलब इन दोनों के साथ, पर्टिकुलर बॉयज के साथ उसकी सीट होगी या बी वन के साथ या बी टू के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो नंबर वन जो है, हम नंबर वन पार्ट पे आते हैं इसके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नंबर ऑफ बॉयज सिक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास फाइव है, तो टोटल पर्सन हमारे पास इलेवन है। देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वी यूज द वे, हम जो है प्रीवियस वे यूज करेंगे, क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन है, एक राउंड टेबल की गिर सेटिंग है, तो इलेवन एंड यूजिंग द फॉर्मूला फॉर सर्कुलर परम्यूटेशन टोटल वेज 11 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि अब नेक्स्ट पे कंडीशन लगी है नो टू गर्ल्स आर एडजस्टेड, दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं है, तो नंबर ऑफ बॉयज सिक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास फाइव है। व्हेन नो टू गर्ल्स आर एडजस्टेड, दो गर्ल्स जो है वो एक साथ नहीं बैठेंगी, इट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज की जो सीट है वो ऑक्यूपाई होती जाएंगी, जब दो गर्ल्स साथ नहीं बैठेंगी तो सेंटर में बॉयज ही बैठेंगे अराउंड द टेबल, टेबल के अराउंड, थस देयर विल बी सिक्स प्लेस फॉर गर्ल्स टू सिट इन, तो गर्ल्स के लिए सिक्स प्लेस होंगी बैठने के लिए, तो सर्कुलर परम्यूटेशन फॉर बॉयज, बॉयज पे तो क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बॉयज के लिए तो वही परम्यूटेशन है ना, सिक्स माइनस वन, तो आपके पास फाइव फैक्टोरियल, एंड सिक्स सीट्स अवेलेबल फॉर द गर्ल्स विल बी सिटेड फिल्ड बाय फाइव गर्ल इन द वेज। अब सिक्स में से फाइव जो है वो गर्ल्स के लिए अरेंज की गई है सीट, तो सिक्स फिक्टोरियल और फाइव फिक्टोरियल, टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटीज वो इतनी बन रही है। ये पॉसिबिलिटीज इसलिए बन रही है क्योंकि हमारे पास गर्ल्स और बॉयज जो है वो आइडेंटिकल है, वो एक जैसे हैं, अगर वो डिस्टिंक्ट होते तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज कम होती। सोल्यूशन नंबर थ्री पे तरफ आते हैं, ऑल द गर्ल्स फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक, जितनी भी गर्ल्स हैं वो सारी एक सिंगल ब्लॉक के तौर पे हैं, मतलब वो पूरे के पूरा ब्लॉक जो है वो मूव करेगा, तो नंबर ऑफ बॉयज सिक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइव है। व्हेन ऑल गर्ल्स फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक देन दे विल अरेंज देमसेल्फ फाइव फैक्टोरियल वेज, तो हम इनको अरेंज करेंगे फाइव फैक्टोरियल वेज से, अब वो ब्लॉक के अंदर भी वेज से वो अरेंज होंगी, एज द नंबर ऑफ बॉयज इज सिक्स एंड अलोंग विद द ब्लॉक ऑफ गर्ल इट विल बी परम्यूटेशन ऑफ सेवन ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल सिक्स बॉयज हैं और सेवन, क्योंकि बॉयज जो है वो उनके सेंटर में भी ब्लॉक फिट हो सकता है, फर्स्ट पे भी लास्ट भी, लेकिन गर्ल्स ने एक साथ रहना है ब्लॉक के फॉर्म में, तो वो सेवन ऑब्जेक्ट्स हमारे टोटल बन जाते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक एक सिंगल हम उसको काउंट करते हैं, सिक्स बॉयज हैं और ब्लॉक एक सिंगल है, तो हमने उसके लिए सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज किया, तो टोटल नंबर ऑफ वे सिक्स फैक्टोरियल, तो प्रोडक्ट वे को हम यूज करते हैं, तो गर्ल्स के लिए टोटल फाइव फैक्टोरियल, क्योंकि जो गर्ल का ब्लॉक है उसके अंदर भी गर्ल्स की अरेंजमेंट्स होंगी, कि पहली गर्ल है दूसरी गर्ल है उनकी आपस में भी अरेंजमेंट्स चलेंगी, लेकिन ये उस अरेंजमेंट में सेंटर में बॉयज नहीं आएंगे, सिक्स फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल, और ये आपका आंसर है। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर फोर है, अ पर्टिकुलर गर्ल जी इज एडजस्टेड टू बिटवीन टू पर्टिकुलर बॉयज बी वन एंड बी टू, अब एक गर्ल जो है जी उसको एडजस्ट किया गया है दो बॉयज के दरमियान में बी वन और बी टू, दिस शोज दैट जी इज बिटवीन द बॉयज बी वन एंड बी टू एंड अ ब्लॉक बी वन जी बी टू विल बी यूज एज वन ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये जो ब्लॉक होगा ये यूज होगा वन ऑब्जेक्ट के तौर पर, रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आर जो बाकी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फोर बॉयज होंगे, फोर गर्ल्स होंगी, टोटल इज इक्वल है एट,
दो बॉयज है क्योंकि टोटल बॉयज 6 हैं, तो दो तो फिक्स्ड हो गए हैं और एक गर्ल, क्योंकि गर्ल 5 है, एक गर्ल भी फिक्स है, तो टोटल 4 4 8। अलोंग विद द ब्लॉक, अब अलोंग विद द ब्लॉक इट विल बी ट्रीटेड एज अ परमुटेशन ऑफ 9 होते हैं, क्योंकि टोटल 8 हैं आपके पास रो, और ये जो है B1 G और B2 ये एक ब्लॉक की तरह है। ये ब्लॉक स्टार्ट में आ सकता है, सेंटर में आ सकता है, सेंटर से थोड़ा सा आगे जा सकता है, स्टार्ट में थोड़ा सा पहले और स्टार्ट में थोड़ा सा आगे मूव करके आ सकता है, एंडिंग पे आ सकता है, एंडिंग से थोड़ा सा पहले आ सकता है। तो ये सर्कुलर इसमें अरेंजमेंट चलेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वे होंगे, ये सर्कुलर परम्यूटेशन हम यूज करेंगे। 9 वेज, 9 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल है। Also, two particular boys, B1 and B2, can be permutation themselves in number of ways. अब वो जो दो बॉयज हैं वो भी अपनी सीरीज शफल कर सकते हैं कि B1G B2 हो सकता है, B2G भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उनकी परमुटेशन जो है वो 2 फैक्टोरियल है। हेंस बाय द प्रोडक्ट रूल टोटल वेज 8 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास टोटल वेज आ जाएगा। जी अब क्वेश्चन नंबर 11 है और लास्ट क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिटेड अराउंड अ टेबल इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। नंबर 1 पॉइंट है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नंबर 2 पॉइंट है, बॉय B1 एंड गर्ल G1 आर नॉट एडजस्टेड, कि ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। अब यहाँ पे बॉय B1 और गर्ल G1 को मेंशन कर दिया गया है कि ये G1 गर्ल है वो नहीं। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, और 3 पार्ट हैं। नो गर्ल्स आर एडजस्टेड, कोई भी गर्ल्स जो एक साथ नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन है, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है गर्ल्स और बॉयज पे, हियर द नंबर ऑफ बॉयज 5 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 3 है, एज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, सो वी हैव टू अरेंज 8 ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल, थस वी हैव 8 P8 इज इक्वल है 8 - 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 2 में हमारी रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होती है। नंबर 2 पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शन है कि जो बॉय B1 है और गर्ल G1 है आर नॉट एडजस्टेड, ये एक साथ नहीं आने चाहिए, सिर्फ इन दोनों का रिस्ट्रिक्शन है। हियर द नंबर ऑफ बॉयज जो है वो आपके पास 5 है और नंबर ऑफ गर्ल जो है वो 3 है। वी अरेंज ऑल द 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स एक्सपेक्ट G1 एवरीवेयर। बॉय B1 जो है वो कहीं भी आ सकता है, G1 उसके साथ नहीं आना चाहिए, तो G1 पे रिस्ट्रिक्शन है। सो वे एनी वेयर G1 जो है, गर्ल्स जो है वो हर जगह आएंगी सिवाय G1 के। सो जो नंबर ऑफ परमुटेशन अब रह जाएंगी वो 7 रह जाएंगी। 7 को हम इजिली कहीं भी अरेंज कर सकते, 7 परमुटेशन आर, तो 7 के लिए ये अराउंड सर्कुलर तक। एज देर आर 7 blank space इन बिटवीन द अबव 7 ऑब्जेक्ट्स वेयर द पर्टिकुलर G1 कैन हैव टू बी सिट। अब G1 को हम कहीं भी सिट कर सकते हैं जो प्लेसेस में, बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड दैट द G1 कैन नॉट बी सिट एडजस्टेड इन द बॉय B1। G1 जो है वो बॉय B1 के साथ एडजस्ट नहीं होगी, बाकी हर जगह वो बैठ सकती है। सो शी कैन नॉट बी सिट इन द राइट और लेफ्ट ऑफ द B1, थस 2 सीट्स आर नॉट अवेलेबल। तो ना ही वो लेफ्ट पे बैठेगी ना ही वो उसकी राइट पे, तो 2 सीट्स अवेलेबल नहीं होगी उस गर्ल के लिए। सो उसके लिए जो पीछे है अवेलेबल चॉइसेस है वो 5, टोटल 7 में से 7 ऑब्जेक्ट्स में से चूज टू बी सिट हेंस फॉर दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर आपका ये जो है सिचुएशन, क्योंकि 5 उसके पास टोटल ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल नहीं, ओनली 5 ऑप्शंस बचते हैं, तो ये आपके पास टोटल वेज आ जाते हैं। नंबर 3 है इसके, नंबर 3 पार्ट है। नो गर्ल्स आर एडजस्टेड, की जो गर्ल्स है ना वो एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, मतलब गर्ल तीनों की दोनों एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, बॉयज सेंटर में आ सकते हैं। हियर द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल है 5 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इज इक्वल है 3। वी अरेंज ऑल द 5 बॉयज फर्स्ट बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज, क्योंकि बॉयज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम पहले बॉयज को अरेंज कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ वेज फॉर 5 परमुटेशन आर, 5 परमुटेशन के लिए जो सर्कुलर की हमारे पास नंबर ऑफ वेज है वो 24 है। तो अब देखें, देयर आर 5 blank spaces इन द बिटवीन द अबव बॉयज, जो बॉयज है इनके बिटवीन 5 हमारे पास स्पेसिस होंगी। वेयर द गर्ल कैन हैव टू बी सिट, जहां पर जो गर्ल्स जो है वो बैठ सकती है। एज द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 3, जैसे कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 3 है एंड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल जो है वो 5 है, थस द 5 places विल बी फिल्ड बाय 3 गर्ल्स इन द वे ऑफ 5 P3 इज इक्वल है 60। हेंस द टोटल जो हमारे पास सिचुएशन बन रही है
वो टोटल नंबर ऑफ डेज 4 फैक्टोरियल 60 और ये आपके पास 144 आ गए हैं और आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन और एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।